हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल डॉक्टर पॉलीक्रेस्ट। एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट नक्स वोमिका। जैसे कि आप जानते हैं, नक्स वोमिका इज़ द किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज। एंड इन द वीडियो यू कैन सी इट इज़ द प्लांट ऑफ स्ट्रिचनेस एंड बीनीथ दैट इज़ द सीडलिंग ऑफ नक्स, और उसके बगल में है बार्क ऑफ स्ट्रिचनेस, यानी कि जिसे नक्स वोमिका बनाई जाती है। तो आप देखते हैं कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है पॉइजन नट, एंड नेचुरल ऑर्डर इज लॉगिनेशिया, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम स्ट्रिचनेस नक्स वोमिका, जैसा अभी बताया। हिंदी नेम इज़ कुचला सीड्स एंड प्रूवर डॉक्टर हेनमन, माइजम इज सोरा। टेम्परमेंट इज बीलियस इरिटेबल इम्पेशेंट, बीलियस यानी कि जीआईटी ट्रबल्स वगैरह रहती हैं, एंड वेरी चिली पेशेंट। कि नक्स वोमिका पेशेंट होता कैसा है, नक्स वोमिका पेशेंट यानी टाइप क्या है उसका। तो ये है नक्स वोमिका का पेशेंट। बेसिकली इसमें 3 W's होते हैं, यानी कि वाइन, वेल्थ और विमेन। और पेशेंट यानी कि हैंगओवर टाइप का होता है, जिसमें कि एग्रेवेशन होती है अल्कोहल, वाइन, कॉफ़ी, टबैको, रिच फूड, यानी जो भी हैंगओवर टाइप की चीज़ होती है। लाइफस्टाइल में देखते हैं पेशेंट वर्कहोलिक होता है, स्टूडियस और टेबल वर्कर, यानी एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, नाइट वर्कर यानी देर रात तक काम करते रहते हैं, एंड स्टेज इंडोर यानी जनरली घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। मेंटली पेशेंट होता है एंग्री, क्वारलसम, इरिटेबल, जेलस, फॉल्ट फाइंडिंग एंड सेंसिटिव टू इंप्रेशन, यानी कि अगर कोई छोटी सी भी चीज़ मिलती है या प्रॉब्लम होती है तो वो उससे ही बहुत भड़क जाता है और काफ़ी एग्रेवेट हो जाती है चीज़ें। वेदर में उसको मतलब बहुत ठंड लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को गर्मी नहीं मिल पा रही है, गर्म नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ही चिली पेशेंट होता है। जीआईटी यानी कि अर्ली मॉर्निंग डायरिया है, यानी कि सुबह सुबह बिल्कुल डायरिया हो जाता है, और नौजिया होता है जो कि जब तक कि वो उल्टी नहीं कर लेता वो ठीक नहीं होता है, और अर्जिंग होती है स्टूल की लेकिन वो इनफेक्चुअल होती है, यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन प्रॉपर नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे, और या तो मेंटली एग्जर्ट कर रहा है किसी चीज़ पे, या ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खा लिया, या फिर ठंड की वजह से। और एमोलेशन होता है फ्रॉम इवनिंग, यानी कि शाम में आराम से, या फिर लेट जाता है, या फिर इन डैम्प वेदर। नाउ इन द वीडियो यू कैन सी इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नक्स वोमिका। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली पेशेंट के कैसे होते हैं कि डार्क सर्कल्स होते हैं नीचे आंखों के, और सैलो कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी कि ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, और थोड़ा स्मार्ट लुक होता है, और वर्कहोलिक टाइप के पर्सन होते हैं। पर्सन जो होता है आर्डेंट कैरेक्टर, आर्डेंट यानी कि जिद्दी, जो उसने ठान लिया वो उसको वही चीज़ चाहिए। एनर्जेटिक, कॉम्पिटेटिव, वर्क्स एंड प्लेज हार्ड, यानी कि पूरी मेहनत से हर चीज़ करेगा वो, लेकिन उसको जो चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही चाहिए। बहुत ही इरिटेबल होते हैं, हर चीज़ में गलतियाँ निकालेंगे, एंड द पेशेंट इज़ वेरी मच प्रोन टू इंडाइजेशन, यानी कि उनको इंडाइजेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, हेमरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं, और डिबॉचर्स ऑफ थिन, इरिटेबल एंड नर्वस डिस्पोजिशन। एंड बेसिकली क्या होता है कि ये इम्पल्सिव होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हिपार सेल्फ में देखा है हमने, और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं हर जगह, तो इस टाइप का पेशेंट होता है नक्सम। अब जो मॉडर्न लाइफ इश्यूज़ हो गए, जैसे कि ऑफिस रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, या फिर फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, जिसकी वजह से इरिटेबल, जीलस और लड़ाई झगड़े टाइप का नेचर हो जाता है उनका। और बेसिकली अगर एक लाइन में कहा जाए तो कि टेम्परमेंट रेमेडी होती है, जिसमें कि इनसेन डिज़ायर टू किल, यानी कि इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि उसको लगता है कि किसी का मर्डर भी कर सकता है वो। एंड बेसिकली हाइपोकॉन्ड्रियक, लिटरेरी एंड स्टूडियस पर्सन। हाइपोकॉन्ड्रियक यानी कि उस पर्सन को लगता है कि वो बीमार है, एंड लिटरेरी और स्टूडियस पर्सन होते हैं ये। अब देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स, यानी कि ऐसे सिम्टम जो कि सीधा नक्स वोमिका की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, जैसे कि मेंटल जर्नल्स में बताया था, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस लाइक नॉइस, ऑर्डर्स, लाइट एंड म्यूजिक, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, कोई स्मेल आ रही है, कोई म्यूजिक ज़्यादा लाउड है, तो इन सब चीज़ों से। और स्किन भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है, यानी हल्का सा भी अब छुओ तो वो पर्सन इरिटेट हो जाता है। टू द लीस्ट करंट ऑफ एयर, कोई हवा चल रही है तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होती है। ट्रिफलिंग एलिमेंट्स यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी का होता है, मतलब कि उसको सुसाइडल टेंडेंसी होती है लेकिन करेज नहीं होता उसके पास। और मदर कैसे होती है, मदर इतनी ज़्यादा एंग्री होती है कि वो अपने बच्चे तक को आग में फेंक सकती। Here you can see patient has nausea with ineffectual desire to vomit, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और उसको अच्छा तभी लगता है, उसको लगता है कि काश मेरे को उल्टी हो जाए तो उसकी सारी कंप्लेंट ठीक हो जाएंगी। और कॉन्स्टेंट नौजिया, वो खाना खा लेता है फिर भी उसको ऐसा उल्टी जैसा लगता है, और जैसे कि प्रेगनेंसी में हमने मॉर्निंग सिकनेस देखा है वो चीज़ भी मिलती है नक्स वोमिका में।
और एक खास चीज़ होती है कि पेशेंट को हमेशा मुंह में कड़वा से टेस्ट आते रहता है, इसलिए वो बार बार अपना खुला करते रहता है या मुंह साफ करते रहता है। और इरेक्टेशन सार एंड बिटर यानी कि वही खट्टी डिकारें आती हैं और नोजिया वॉमिटिंग होती है और कंजेस्टिव हेडेक यानी कि ऐसा लगता है उसको कि कोई सर उसका प्रेस कर रहा है उसके मॉर्निंग में और उसको लगता है कि जैसे वो रात में ढंग से सो नहीं पाया इस वजह से उसके हेडेक हो रहा है। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ देख सकते हैं आप कि बेसिकली हम अर्ली स्टेज ऑफ जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें देख सकते हैं या फिर इंटरमिटेंट फीवर यानी कि फीवर आ रहा है फिर वापस चला गया पेशेंट ठीक है कुछ टाइम के लिए, तो ये होता है इंटरमिटेंट फीवर। सुबह जब फीवर होता है तो उसके साथ क्या होता है कॉन्स्टेंट चिलनेस यानी कि उसको बहुत ठंड लगती है कपकपी आती है और इंड्यूरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ लिवर यानी कि जो लिवर प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली लिवर एनलार्ज हो जाता है, ये सब हाई लिविंग जैसे ड्रिंकिंग हो गई या फिर वाइन्स बियर या फिर स्मोकिंग इन सब कंडीशन की वजह से लिवर भी प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कि डायरिया और जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से होता है यानी कि जो उसका खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को कॉन्स्टेंट अर्जिंग रहती है लेकिन क्या होता है कि वो स्टूल पास नहीं कर पाता है और इंडाइजेशन एंड इरेक्टेशन यानी कि वही खट्टी डकारें आना डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है उसको लगता है कि स्टूल पास हो जाए तो उसको अच्छा लगेगा और इन्हीं GIT ट्रबल्स की वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हेमरॉइड्स वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं नक्स वोमिका के टाइम मोडालिटीज़ की। तो टाइम मोडालिटीज़ में क्या होता है कि जब शाम का टाइम होता है तो उस वजह से पेशेंट को क्या होता है बहुत स्लीपी फील होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूड मेंटल एक्जर्शन यानी उसने बहुत सारा काम किया होता है, जैसे कि बताया कि मेंटली पेशेंट बहुत स्टूडियस और लेबर टाइप का पर्सन होता है तो उस वजह से। और जैसे ही शाम होती है तो शाम को आते आते उसको बहुत गहरी नींद आने लग जाती है और क्या होता है जब शाम में ही सोने लग जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाता है यानी सुबह आप लगा लो 6 बजे या 5 बजे ऐसे बहुत जल्दी अर्ली आवर्स में उठ जाता है और अराउंड 4-5 बजे। और जब क्या होता है कि डे ब्रेक होता है यानी कि जब दिन का टाइम होता है यानी आप लगा लो 10 बजे के अराउंड या 11 बजे के अराउंड, तो उस टाइम पर क्या होता है वापस एकदम ड्रीमी स्लीप में चला जाता है और उस टाइम पर पेशेंट बहुत गहरी नींद में चला जाता है कि आप उसे उठा नहीं सकते। नक्स वोमिका का कन्वर्जेंस देखते हैं। नक्स वोमिका कन्वर्जन बहुत ही यूनिक और मार्क्ड होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑपिस्थोटोनस। तो इसमें होता है कि कन्वर्जन तो होती है लेकिन बंदा कॉन्शियस होता है यानी कि बेहोशी की हालत में नहीं होता, कॉन्शियस होता है वो और उसको पता चल रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा था, उसको पेन फील हो रहा होता है जो कि बहुत ही हॉरिबल होता है। और बात करते हैं ऑपिस्थोटोनस। ऑपिस्थोटोनस जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बॉडी बिल्कुल बेंड हो जाती है, सारी मसल्स जो होती हैं बॉडी की वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फेस एकदम पर्पल कलर का हो जाता है जैसे कि डेथ के टाइम पे देखा आपने और सांसें आना बंद हो जाती है बिल्कुल। और जो कन्वर्जन स्टेट है नक्स वोमिका की वो स्लाइटेस्ट शॉर्ट ऑफ एयर यानी कि थोड़ी सी भी हवा लगती है उसको तो उससे एग्रेवेशन होता है या फिर आप गले के पास टच करो तो उसको क्या होता है गैगिंग यानी कि सांस आना बंद हो जाती है। अब बात करते हैं रिलेशन की यानी कि नक्स वोमिका दूसरी दवाइयों के साथ कैसा काम करती है। तो नक्स वोमिका के एंटीडोट्स हैं, एंटीडोट्स यानी कि अगर कभी ज़्यादा डोज दे दी आपने किसी गलत पोटेंशियमेंट दे दी और उसके गलत इफेक्ट आ रहे हैं तो आप एंटीडोट यानी उन इफेक्ट को हटा कैसे सकते हैं। तो एंटीडोट्स हैं इसके जैसे वाइन, कॉफ़ी, एकोनाइट हो गया, बेलोडोना हो गई, कैम्फर है हमारे पास, कैमोमिला है, ओपियम है, पल्स है, स्ट्रेमोनियम है और जितने भी नार्कोटिक्स हो गए जैसे कि या फिर ड्रास्टिक और वेजिटेबल रेमेडी है ये इनको एंटीडोट कर सकती है। और बैड इफेक्ट्स हो गए जैसे कि एरोमेटिक फूड्स यानी जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जैसे कि आपके जिंजर हो गए, पेपर हो गई और जितने भी हॉट मेडिसिन्स हो गई, हॉट यानी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हो गई और अल्कोहल हो गए या फिर मर्करी। अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ये रेमेडी जो है वो किस दवाई के साथ मतलब उसका एक्शन पूरा करती है, किस दवाई के वो सिम्टम्स को उभार सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी सल्फर और इनिमिकल यानी कि किस दवाई के साथ हम इसे नहीं दे सकते जिसके साथ फिर इसके एडवर्स इफेक्ट आने लगेंगे। तो वो जितनी भी एसिडिक रेमेडीज हो गई या फिर इग्निशिया हो गई या फिर जिंक हो गई तो इन रेमेडीज़ के साथ नहीं दे सकते हैं। और ये सिमिलर होती है एलोज के, एलुमिना हो गई, आर्सेनिक, बेलेडोना, ब्राइनिया, कैमोमिला, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, सल्फर एंड जिंक, तो इनसे ये सिमिलर है रेम यानी कि इनके एक्शन जो है वो लगभग एक जैसे हैं। तो दोस्तों नक्स वोमिका के लिए आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये फ्री है जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हम कोशिश करते रहेंगे कि नई नई वीडियोस लेके आएँ हर 2 हफ्ते में या जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे ही बेहतर एनिमेशन के साथ ताकि आप अच्छे से समझ सकें उन रेमेडीज़ को। हमारे फ्रेंड बनिए फेसबुक पे, हमारा पेज है इसी डॉक्टर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के नाम से और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।